तो इधर से अगर गिनती करेंगे तो एक नंबर पोजीशन पे हैं, और अगर इधर से गिनती करेंगे तो आखिर की पोजीशन है कि थ्री नंबर पोजीशन पे हैं। तो आप जो भी सोचना है सोच लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब जस्ट इसमें मैजिक करने वाला हूं, जस्ट वन टू एंड थ्री। हाई एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इजी और आसान ट्रिक्स जो आप अपने घर में कर सकते हैं। मेरे पास है एक रोप जिसमें आप देख सकते हैं मैंने थ्री गट्ठे लगाया है, जस्ट देख सकते हैं वन टू एंड थ्री। और एक्चुअली मैंने लास्ट में इनके आखिर में गट्ठे में आखिर की गट्ठे में एक रुमाल मैंने टाइट करके बांध दिया। इसको खींचने से देखिए ये आगे पीछे नहीं होगा क्योंकि ये गट्ठे के बीचों बीच लगाया है। और मेरे पास है थ्री गट्ठा यानी कि वन टू थ्री। अगर मैं आपको सवाल करूं कि ये रुमाल यानी कि हैंकी कौन से गट्ठे पे है, तो इधर से अगर गिनती करेंगे तो एक नंबर पोजिशन पे है, और अगर इधर से गिनती करेंगे तो आखिर की पोजिशन यानी कि थ्री नंबर पोजिशन पे है। तो आप जो भी सोचना है सोच लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब जस्ट इसमें मैजिक करने वाला हूं, जस्ट वन टू एंड थ्री। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अच्छे से गौर से देख लीजिए, अभी एक्चुअली हमारा जो हैंकी यानी कि रुमाल है वो ना थ्री नंबर पे है ना वन नंबर पे है। एक्चुअली आप देख सकते हैं अभी इस टाइम पे फिलहाल बीच के गट्ठे पे है, जस्ट नंबर वन गट्ठा, नंबर टू एंड जस्ट नंबर थ्री। यानी कि आप देख सकते हैं ये हैंकी अभी के अभी हमारा इस पोजिशन पे था यानी कि नंबर वन पे था, बट एक्चुअली अभी मिडिल पोजीशन पे आ गया है। मैं इसको नीचे करके आपको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है थ्री गट्ठा, वन टू एंड थ्री, और ये रियल गट्ठा है। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा सकता हूं, तो ये काफी टाइट हो गया है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली मैं बीच का गट्ठा आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि ये रियल है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसको जब मैं ओपन कर रहा हूं तो इसके बीच में से ये बाहर आ रहा है रुमाल यानी कि हैंकी। तो मैंने एक्चुअली लगाया था यानी कि नंबर वन पोजीशन पे था या नंबर थ्री पोजीशन, जो भी आप सोच रहे थे, बट एक्चुअली ये निकला बीच से। तो गाइस ये जो ट्रिक्स है काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है। चाहे तो आप कभी भी, आपके घर में रस्सी तो होगा ही होगा और हैंकी तो आपको मिल ही जाएगा, यानी कि किसी का भी रुमाल आप लेके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं और लोगों को हैरान कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग मैजिक। तो यार चलो आप सीखते हैं। सीखने से पहले यार एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए नया नया ट्रिक्स सिखाते रहते हैं। तो यार चलो आप सीखते हैं। तो एक्चुअली इस मैजिक को करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको चाहिए रोप और चाहिए छोटा सा कपड़ा रुमाल जो अभी आप यूज करना चाहते हैं। और सबसे पहले हमें इसको करना क्या है, इस तरीके से थ्री गट्ठा लगाना है, हल्के से लगाना है। और सबसे पहले आपको बीच की जो गट्ठा है उसके अंदर आप रुमाल को फंसा दीजिए और इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए हल्के से। इसको भी थोड़ा सा हल्का टाइट कर दीजिए और इसको भी हल्का टाइट कर दीजिए, बट एक्चुअली ये बीच में ही रहता है। बट आपको छोटा सा ट्रिक करना है। आपको करना क्या है, इस साइड से इस साइड का रोप थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं ये गट्ठा दोनों को अगर मैं सेम सेम कर लेता हूं तो फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं ये रोप छोटा बड़ा है, मतलब जो साइड बड़ा है उस साइड में आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक फॉल्स गट्ठा लगाना है। तो फॉल्स का सा गट्ठा कैसे लगाएंगे, ऐसे ले लीजिए और लेने के बाद आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए और इसको खींच दीजिए, ठीक है, जैसे हम फॉल्स गट्ठा लगाते हैं, इसको खींचने से ऐसे ओपन हो जाता है। तो ये गट्ठा आपको एक छोटा सा लगा लेना है, अच्छे से लगाना है ताकि किसी को पता ना चले कि ये गट्ठा नहीं है, ये फॉल्स गट्ठा है। तो एक्चुअली हम कुछ इस तरीके से लगा के रखे थे और इसको भी थोड़ा सा साइज छोटा कर देना है ताकि देखने में लगे कि हाँ रियल में ये गट्ठा है। अब मैं क्या करता हूं, एक रियल गट्ठा, ये है रियल गट्ठा, तो इसको मैं हाथ से ऐसे ऑफ करके रखता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा दूरी में बन गया तो हमें थोड़ा सा करीब में आके करना है ताकि रियल लगे। और इस तरीके से मैं सबसे पहले एक गट्ठा बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने बना लिया फॉल्स गट्ठा। अब देखिए यहां पर आपको देखने में लगेगा चार गट्ठा है, एक तो यहां पर रुमाल में फंसा हुआ है देख सकते हैं, तो यहां पर एक दो तीन और ये चार, बट एक्चुअली ये है हमारा रियल गट्ठा। तो इसको मैं क्या करूंगा, हाथ से छुपा के रखूंगा और मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको। तो देखने में लगेगा कि देखिए यहां पर वन टू एंड थ्री, यस, बट एक्चुअली फोर गट्ठा है, एक फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको पहले दिखाया कि मेरे पास एक रोप है और रोप में थ्री गट्ठा है और इसमें मैंने बिल्कुल आखिर में या फास्ट में ये रुमाल को टाइट करके बांध दिया, बट एक्चुअली मैजिक करूंगा तो ये इधर से उधर आ जाएगा या बीच में आ जाएगा, ऐसे बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैं मैजिक करके दिखा रहा हूं, देखिए क्या होता है। फिर आपको जोर से खींचना है, खींचने के टाइम क्या होता है, जब आप जोर से खींचते हैं तो ये गट्ठा जो है वो ओपन हो जाता है, और जब ये ओपन हो जाता है मैं इस साइड के हैंड को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, तो देखने में जब मैं जोर से खींचता हूं तो कुछ इस तरीके से बना होता है और आपको देखने में लगता है कि मैजिक हो गया और ये है कि हमारा फास्ट यानी कि आखिर में था, बट एक्चुअली ये बीच में आ गया। तो यही है इस मैजिक का ट्रिक, यानी कि बहुत ही इजी और आसान है। आपको दो चार बार शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करना है तो आप भी इस मैजिक को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको ये रोप और हैंकी मैजिक ट्रिक्स बहुत ही पसंद आया होगा। तो यार एक लाइक तो बनता है आपके भाई के लिए, और प्लीज कमेंट करके भी बताना आपको कैसा ट्रिक सीखना है। और आजकल आप लोग लाइक और कमेंट तो करते ही नहीं हो, बहुत कम कर दिए, पता नहीं क्या हलचल है आप लोगों की यार।
और नया नया मैजिक सीखना हो, नए हो तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे नया मैजिक दिखाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। एक्चुअली मेरे चैनल पे 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है, लेकिन व्यूज देखो यार इतनी कम आजकल आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो मेरा काम तो है मैजिक दिखाना सिखाना, मैं दिखाता रहूंगा सिखाता रहूंगा, अब आपका मर्जी आप देखे या सीखे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जाओ इस मैजिक को बनाओ और लोगों को दिखाओ।